हाय फ्रेंड्स, मायसेल्फ शिंदे रूपाली फ्रॉम डीजे साइंस अकेडमी वैजापुर। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। एंड आज हम देखने वाले हैं साइंस का पार्ट सेकंड का लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में चैप्टर देखने वाले हैं। इसमें हम पहले देखेंगे व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या चीज होती है ये आज हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोसेस को हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। देखो हम डेफिनेशन में कैसे देखेंगे कि बाय विच प्रोसेस इन ए इंडिविजुअल प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड एज ए रिप्रोडक्शन। फिर से देखिए, अगर हम डेफिनेशन में देखेंगे तो मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। यहाँ पे इन ए प्रोसेस, इन ए प्रोसेस बाय विच अन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल विच इज सिमिलर टू इट्सेल्फ। डेफिनेशन में सिमिलर टू इट्सेल्फ ये आना जरूरी है, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा लिविंग थिंग प्रोड्यूस करता है या तैयार करता है उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसेस ह्यूमन बीइंग, मंकी विल प्रोड्यूसेस मंकी, डोंकी विल प्रोड्यूसेस डोंकी। बट ऐसा नहीं हो सकता डोंकी विल बी प्रोड्यूसेस मंकी, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जिस प्रोसेस में अपने ही जैसा लिविंग थिंग प्रोड्यूस किया जाता है उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन। अब ये जो चैप्टर हम देखने वाले हैं ये सब इस थिंग्स पे ही डिपेंडेंट है, तो इसलिए पहले हम रिप्रोडक्शन के जो टाइप है दो टाइप वो देखेंगे। देखिए रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स होते हैं, पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आज हम स्टडी करने आए हैं। देखिए रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स, फर्स्ट हुआ असेक्सुअल और दूसरा हुआ सेक्सुअल। अब ये दो चीजें क्या है ये देखेंगे हम। देखिए अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उसमें ओनली वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। देखो मैं यहां पे लिख देती हूं, वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। मतलब देखिए बच्चों, अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में आएगा अमीबा। एग्जांपल क्या आएगा, अमीबा जो आपने नाइन्थ क्लास में स्टडी किया है एग्जांपल। तो अमीबा अपने ही जैसा क्या करता है, दूसरा लिविंग थिंग्स तैयार करता है, मतलब अपने जैसा दूसरा अमीबा प्रोड्यूस करता है तो उसमें ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल का एग्जांपल देखेंगे तो इसमें हो जाएगी, जैसे कि मैंने आगे भी बताया कि डोंकी विल बी प्रोड्यूस डोंकी या फिर ह्यूमन बींग, वो क्या करते हैं अपने जैसा लिविंग थिंग अपने जैसा ह्यूमन बींग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें टू पेरेंट्स होने चाहिए तभी क्या हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हो सकता है। लेकिन असेक्सुअल में क्या होता है, जैसे कि पैरामोशन होगा अमीबा होगा, ये क्या करता है अपने ही जैसा डिवाइड होके अपने ही जैसा क्या करता है दूसरा लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करता है, वो खुद
और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। मतलब इसमें क्या होगा, ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, लेकिन सेक्सुअल में क्या होगा कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी क्या होगा रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं, ये क्या करता है, एग्जाम्पल अमीबा होगा, तो एग्जाम्पल अमीबा, तो वो क्या करता है अपने ही जैसा दूसरा अमीबा प्रोड्यूस करता है, डिवाइड होगा। मतलब उसमें क्या होगा, वो उसके ही जैसे दिखने वाला है, मतलब उसमें वेरिएशन नहीं होगा। देखिए इसलिए मैं आपको लिख देती हूँ, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, मतलब अमीबा अगर डिवाइड होगा तो उसके ही जैसा दूसरा अमीबा तैयार होगा, मतलब वो उसके ही जैसा होगा। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उसमें वो उसके ही जैसे दिखने वाला नहीं होगा। जैसे कि ह्यूमन बींग है, जब वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है तो वो उसके मदर के जैसे या फादर के जैसे हुबहू नहीं दिखता, वो क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब इसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, वेरिएशन। और दूसरी बात है, यहाँ पे वन पेरेंट इन्वॉल्व होने की वजह से इसमें क्या होगा, नो गैमेट्स फॉर्मेशन, नो गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होने वाला है, इसलिए गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। अब गैमेट क्या होता है कि मेल और फीमेल टू टाइप्स के गैमेट होते हैं, और इस ये दोनों फ्यूज होने के बाद क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन इसमें ओनली वन पेरेंट होने की वजह से क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअल में क्या होगा, वेरिएशन है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, टू टाइप्स के गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। दूसरी चीज ये है कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होने वाला, मतलब क्या होने वाला है, जायगोट फॉर्मेशन भी नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जायगोट फॉर्मेशन भी नहीं होने वाला और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होने वाला, क्योंकि ओनली वन पेरेंट वाली, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, गैमेट फॉर्म होगा, इसलिए क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या चीज है बच्चों, कि मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म ए फर्टिलाइजेशन। फिर से सुनो, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म ए फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होगा, सेक्सुअल में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब क्या फॉर्म होगा, जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए आप लिख दियो, जायगोट फॉर्मेशन। और रही बात असेक्सुअल की, तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला, मतलब जायगोट फॉर्मेशन भी नहीं होने वाला, इसलिए आप लिख दियो, नो जायगोट फॉर्मेशन। और अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो जाके वेरी फास्ट गोइंग प्रोसेस होती है, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है, मतलब ये क्या होगी, इट इज अ स्लो गोइंग प्रोसेस, क्या लिख दी हूं, फास्ट गोइंग प्रोसेस, इसमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि क्या वही अमीबा क्या होता है, डिवाइड होता है और दूसरा अमीबा तैयार होता है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जायगोट फॉर्मेशन होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है, गैमेट फॉर्मेशन होने वाला है, इसलिए इसमें क्या होगा, ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो क्या होगी, वेरी स्लो प्रोसेस, इसलिए यहाँ पे लिख दूँ, स्लो गोइंग प्रोसेस। ओके, अब ये समझ में आया, एक बार फिर से समझा देती हूँ कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जो होता है उसके टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। और अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तो उसका एग्जांपल हम अमीबा देख सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका एग्जांपल जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग देख सकते हैं, मंकी देख सकते हैं, हॉर्स देख सकते हैं,
जैसे कि डॉगीज देख सकते हैं, इन सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि असेक्सुअल का एग्जांपल अमीबा है, इसलिए उसमें वो क्या होता है, सिर्फ डिवाइड होता है और न्यू अमीबा या फिर पैरामेशियम या फिर प्लैनेरा इन जैसे एनिमल तैयार होते हैं, इसलिए इसमें वन की पैरेंट इन्वॉल्व रहता है। और दूसरी बात, सेक्सुअल जो है इसमें टू पैरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मेल है फीमेल। असेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता, मतलब जो न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है उसमें उसके दिखने में कोई भी चेंज नहीं आता, अमीबा के जैसा ही दूसरा अमीबा प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा वो क्या होगा, मदर या फादर से डिफरेंट होगा, मतलब इसमें क्या आएगा, वेरिएशन होगा, वो हुबहू उनके तरह नहीं दिखने वाले, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं वेरिएशन होगा। यहाँ पे वन पैरेंट इन्वॉल्व होने की वजह से गैमेट फॉर्मेशन नहीं होने वाला, जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होता है वो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन सेक्सुअल में क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा। और गैमेट फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है, और फर्टिलाइजेशन होने वाला है मतलब क्या होगा, जायगोट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि वन पैरेंट है, इसलिए जायगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ डिवाइड होके बनता है, मतलब ये वेरी फास्ट गोइंग प्रोसेस है, वो जल्दी हो जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें टाइम लगता है, इसलिए मतलब गैमेट फॉर्मेशन होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाके जायगोट बनेगा, और फिर जाके क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा, मतलब इसको क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया, अब हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया है कि रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। अब ये दोनों थिंग्स हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है, तो इसमें हमें क्या क्या टाइप देखने वाले हैं ये हम आप लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। देखो असेक्सुअल का फर्स्ट टाइप हम देखने वाले हैं, बाइनरी फिशन। दूसरा होगा मल्टीपल फिशन। थर्ड होगा, यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ, बड़ी। और फोर्थ होगा फ्रैगमेंटेशन। और फिफ्थ होगा स्पोर फॉर्मेशन। और सेवन टाइप होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें हमें सेवन टाइप स्टडी करने हैं, जैसे कि बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बड़ी, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इन सबके एग्जाम्पल हम शॉर्ट में देखने वाले हैं। देखो अगर बाइनरी फिशन जो है वो फिर से थ्री टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है
पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ डीएफ। इसका मतलब सिंपल बॉयफ्रेंड नहीं होता है बच्चों, बाइनरी फिशन होता है। सेकंड टाइप होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, और थर्ड होगा लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। और जो मल्टीपल बाइनरी फिशन है, सॉरी जो बड़ी है, वो फिर से पहले हम सबका एग्जांपल लेते हैं। अगर सिंपल बाइनरी फिशन हो गया तो उसमें उसका एग्जांपल होगा अमीबा। अमीबा मतलब अमीबा नहीं, अमीबा वो एक अल्की है, और वो लिविंग, उसका जो लिविंग थिंग है मतलब वो पानी में रहता है। अगर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है उसका एग्जांपल हम देखेंगे पैरामोशियम। यूनिसेल बड़ी और मल्टीसेल बड़ी। अब यूनिसेल जो है वो यूनिसेल का एग्जांपल हम देखेंगे ईस्ट। और मल्टीसेल जो है इसका एग्जांपल हम देखेंगे हाइड्रा। अब फ्रैगमेंटेशन जो है, फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल होगा प्लानरी, सॉरी फ्रैगमेंटेशन जो है उसका एग्जांपल हम देखेंगे स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा और स्पोर फॉर्मेशन जो है उसका एग्जांपल होगा म्यूकर। फिर रीजनरेशन जो टाइप है इसका एग्जांपल होगा रीजन, सॉरी प्लानरिया, प्लानरिया। और फिर जाके जो सेवन टाइप है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वो लीफ में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है और स्टेम में पाया जाता है। इसलिए उसके अलग अलग एग्जांपल होंगे। मतलब देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है एक होगा रूट में, स्टेम में और लीफ में। अगर लीफ में हम देखेंगे तो इसका एग्जांपल होगा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम और स्टेम जो है तो स्टेम का एग्जांपल हम देखेंगे पोटैटो। और रूट जो है उसमें उसका एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं कि रतालू होता है या फिर बीज होता है, जैसे कि बीट। मतलब देखो अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीफ में हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, ब्रायोफाइलम एग्जांपल होगा। मतलब लीफ से ही वो क्या करता है, उसमें क्या होता है अलग सा न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। और स्टेम में होगा जैसे पोटैटो, अगर हम पोटैटो ही लगा देंगे तो उसमें क्या होगा, नया जो प्लांट है वो फॉर्म हो जाएगा। फिर रूट का जो एग्जांपल है जैसे कि बीट और रतालू होता है, अगर वो हमने सॉइल में ग्रो किया तो उसमें उसका न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो सेवन टाइप है फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें हमें सेवन टाइप, सेवन
मेन टाइप जो है वो स्टडी कर रहे हैं। पहला होगा बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जो है वो थ्री टाइप्स में डिवाइड हो चुका है, जैसे कि सिंपल बाइनरी फिशन, एग्जांपल होगा अमीबा, ट्रांसफर बाइनरी फिशन, एग्जांपल होगा पैरामोशिया, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, एग्जांपल होगा यूवी। सेकंड टाइप होगा मल्टीपल फिशन, एग्जांपल होगा अमीबा। और बडिंग जो टाइप है वो फिर से टू टाइप में डिवाइड हो गया है, यूनिसेल और मल्टीसेल। यूनिसेल का एग्जांपल होगा ईस्ट और मल्टीसेल का एग्जांपल होगा हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन जो टाइप फोर्थ टाइप है उसका एग्जांपल होगा स्पायरोगैला, और बाद में स्पोर फॉर्मेशन जो है उसका एग्जांपल होगा म्यूकर। सिक्स टाइप है रीजनरेशन, एग्जांपल होगा प्लानरिया। और लास्ट सेवन पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो थ्री उसके थ्री एग्जांपल होते हैं, जैसे कि स्टेम रूट और लीफ, उसका अलग अलग एग्जांपल है। अगर रूट में होगा तो एग्जांपल होगा बी, स्टेम में होगा तो एग्जांपल होगा पोटैटो, और लीफ में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा तो एग्जांपल होगा ब्रायोफाइलम। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही देखा है कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या, और रिप्रोडक्शन के जो दो टाइप्स होते हैं असेक्सुअल और सेक्सुअल, इसमें क्या डिफरेंस होता है। फिर बाद में जाके हमने देखा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में टू टाइप्स, सेक्सुअल और असेक्सुअल, और असेक्सुअल जो है उसमें सेवन टाइप देखे हमने। अब ये सेवन टाइप्स जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज तक मैं इतना ही ले लेती हूँ। देखो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और